कांकेर से खबर है, बस्तर फाइटर के जवान की मलेरिया से मौत हो गई है। नक्सल मोर्चे पर तैनात था यह जवान। बीमार होने के बाद जवान अपने घर आया हुआ था। हालत बिगड़ने पर उसे रायपुर रेफर किया गया था। अस्पताल में इलाज भी चल रहा था और उसी दौरान उसने दम तोड़ दिया। नक्सल मोर्चा में तैनात जवानों को मलेरिया का खतरा लगातार बना रहता है और ये जवान भी इसी चपेट में आया था और अब दम तोड़ दिया है जवान ने। उत्तम मंडावी नाम के एक कांस्टेबल है हमारे बस्तर फाइटर में। ये पिछले दिनों में छुट्टी पर गया था और घर पे जब था उस समय मलेरिया हुआ, लेकिन इलाज के दौरान फिर इनको रायपुर रेफ़र किया गया है, लेकिन तब तक काफ़ी सीरियस हो चुका था और ब्रेन काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, जिसके कारण कल रात में इनका डेथ हुआ है। रायपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। राजधानी में निगम का बुलडोजर चला है। सिविल लाइन में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, बड़ी संख्या में अवैध दुकानों को हटा दिया गया। बलरामपुर में अतिक्रमण हटाने का विरोध देखा गया। अतिक्रमण हटाने के बाद आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कलेक्टर की गाड़ी को रोका, तोड़फोड़ पर रोक लगाने की मांग की। लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। वाडफ नगर सड़क को जाम किया गया है। बता दें, रामानुजगंज रिंग रोड का ये पूरा मामला है। नगर पंचायत की सारी दुकानें हाँ। हम लोग को समय देते, हम लोग अपने उच्च अधिकारी मंत्रमण है सर, तो नगर पंचायत की सारी दुकानें थी। दुर्ग से बड़ी खबर है, भिलाई में एनआईए की दबिश है। बता दें आपको, एनजीओ संचालक कलादास डहरिया के निवास पर यह दबिश दी गई। 6 से ज्यादा अधिकारी दबिश में शामिल हैं। नक्सलियों से सांठगांठ के शक पर यह दबिश दी गई है। लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने एनआईए दबिश की पुष्टि भी की है। ये पूरा मामला है कि मैं जिस तरीके से हम लोग अभी मजदूरों के बारे में, मजदूरों के न्यूनतम वेतन के बारे में जिस तरीके से हमने अभी चिट्ठी लिखा राष्ट्रपति को और सरकार को भी, कि आज़ादी के बाद, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, आज़ादी के बाद आज तक मजदूरों को 7,000, 8,000, 9,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। वहीं सांसद में जो लोग बैठे हैं विधानसभा में, उनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलता है और 1 रुपए 2 रुपए में चाय मिलता है, तो ये मजदूर जिएगा कैसे? बिलासपुर में कांग्रेस पार्षद पर एफआईआर हुई है। फर्जी रसीद से वसूली का ये मामला है। पार्षद अमित सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ है। कमिश्नर के पत्र पर कांग्रेस पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बता दें, सरकंडा थाने में वार्ड नंबर 50 के पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 40 दुकानें आवंटित की गई हैं। 9 दुकानदारों के पास संदिग्ध रसीद मिली। पार्षद ने फर्जी रसीद देकर दुकानदार से 18,700 रुपए वसूले हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट नर्मदापुर की नाबालिग बेटी पिछले 2 साल से लापता है। उसके पिता और परिजन बेटी की तलाश कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। परिजनों ने राज्य महिला अध्यक्ष से बेटी का पता लगाने की गुहार लगाई। लापता लड़की के पिता ने मानव तस्करी की आशंका जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर के पद पर काम करने वाली एक महिला ने ही उसकी नाबालिग बेटी को गायब कर दिया। उसकी बेटी को पढ़ाने लिखाने के नाम पर ले जाया गया।
इसको गरीब तो कोई सुनने वाला नहीं है। कांकेर में खतरे में नौनिहालों की जान आ चुकी है, जान जोखिम में डाल रहे हैं और नदी पार कर रहे हैं। नदी पार कर रहे स्कूल जा रहे छात्र आपको दिखाते हैं, बारिश में उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। नदी पर पुल रानी डोंगरी और नहीं है पुल, और गावड़े पारा गांव का ये मामला है। फिलहाल अब तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, तो देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या एक्शन दिया जाता है, इनको क्या सहूलियत दी जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, नौनिहालों की जान हमेशा ही ऐसे मुसीबत में फंसती है और मजबूर होते हैं वो ऐसे नदी नालों को पार करने पर, क्या कहते हैं जिम्मेदार? खेम नारायण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जानकारी दीजिए। जी देखिए, जिस प्रकार से जब भी मानसून का सत्र शुरू होता है और इन प्रकार की तस्वीरें जो है बस्तर के अधिकांश क्षेत्रों से निकल कर सामने आती है कि किसी गांव के बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं उनसे स्कूल जाने के रास्तों में नदी नाले चलते हैं और नदी नालों को के उफान को भी वो पार करके स्कूल पहुंचते हैं। हालांकि विकास के कई दावे जो है सरकार करती जरूर है, लेकिन ये धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आता है और हर वर्ष जो है इसी प्रकार से जो है नदी नालों को पार करके जो है बच्चे स्कूल पहुंचने पर मजबूर हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बलौदाबाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, बच्चों को कंधे पर नाला पार कराने की खबर हमने दिखाई थी। खबर दिखाने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची, न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। कलेक्टर दीपक सोनी ने एक्शन लिया, एसडीएम सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कहां देगा, थोड़ा गुस्सा रहते आदमी कैसे कर, स्कूल जाने के लिए आखिर कितनी समस्या है ये बलौदाबाजार जिले के छेरगाडी में आप देख सकते हैं। तमाम बच्चे हैं और लगभग सीने जैसा इतना गड्ढा ये पार करके जाते हैं, इन गड्ढों को पार करके स्कूल जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सिस्टम के अधिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता। बेटा रोज जाता है स्कूल? रोज जाता? काकर संग में जाता? मोर पापा संग। रोज? और ज्यादा गड्ढा आते कैसे करता? नहीं जामन। स्कूल जाना बंद कर देते भैया? रोज असने जाते हैं? हाँ, ऐसा नहा कर जाता है, रोज बाढ़ आता है तो फिर बंद कर देता है दो तीन हफ्ता। ये देख सकते हैं, कितना पढ़ता है भाई? मैं 11वीं में हूँ भैया। अभी रोज ऐसे स्कूल जाते हूँ? रोज नहीं जा पाते, क्या है ना पानी के मतलब हिसाब से जाते हैं। देख सकते हैं कितना गड्ढा है, जैसे जैसे हम नाले को पार कर रहे हैं अभी कमर तक आ चुके हैं पानी, अभी और इधर जाएंगे तो देखिए गड्ढा किस तरह से। ये बता रहा है कि जो सिस्टम है, प्रशासन है, आखिर क्या कर रही है, इतने गड्ढे में लोग स्कूल जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन और सिस्टम के उन आला अफसरों को ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर लापरवाह सिस्टम आखिर नाले में पुलिया कब बनाएगा और लोगों की किस्मत कब बदलेगी। समस्याएं तो आम बात है, समस्याएं होना आम बात है, लेकिन बारिश के समय में ये पुल की जो समस्या है आखिर कब समाधान होगी, लिहाजा देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार और सिस्टम के आला अधिकारी कब तक सामने आएंगे। कैमरामैन देवा के साथ योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। गरियाबंद का जिक्र करते हैं, स्कूल के विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। अमलीपदर सुखा नदी का ये मामला है, तेज बारिश से नदी उफान पर है, पुल नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। पिछले 2 सालों से पुल का निर्माण काम चल रहा है, स्कूल के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बालोद से बाढ़ की दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई, बाढ़ के पानी में बहते नजर आए 12 से ज्यादा मवेशी। गौवंश का झुंड पानी के तेज बहाव में बह गया। बालोद जिले के
लमटी गांव के नाले की ये तस्वीरें हैं। सभी मवेशी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोरबा में बारिश का कहर है, नदी नाले उफान पर हैं। एक ग्रामीण की डूबने से मौत हो गई। बिलासपुर कोरबा मार्ग में गाजर नाला के ऊपर से पानी बह रहा है। करतली पुटा का रपटा टूट चुका है। कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। 24 घंटे में 558.5 मिलीमीटर बारिश हुई। भैया, एक मिनट रुकना। गरियाबंद में पहली ही बारिश में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है चेक डैम। पहली बारिश में चेक डैम ने अपना दम तोड़ दिया। निर्माण एजेंसी पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। मनरेगा में चेक डैम बनाया गया था। मैनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत चलना पदर का ये मामला है। Thank you.